हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विशाल ददलानी के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे उनकी एज, वाइफ, फैमिली, इनकम, कार कलेक्शन और साथ ही बात करेंगे उनके बॉलीवुड करियर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। उनका रियल नेम है विशाल ददलानी, साथ ही उनका निक नेम है विशाल। प्रोफेशन से विशाल म्यूजिक डायरेक्टर और एक सिंगर है। विशाल ददलानी का जन्म 28 जून 1973 को हुआ था। अभी 2021 में उनकी एज 47 साल की हो चुकी है। ददलानी का जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, साथ ही उनका होम टाउन भी मुंबई महाराष्ट्र में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग हिल ग्रैंज हाई स्कूल मुंबई से कंप्लीट किया है, साथ ही उन्होंने अपना कॉलेज जय हिंद कॉलेज से कंप्लीट किया हुआ है। बात कर लेते हैं उनके ग्रेजुएशन के बारे में, तो उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स में डिग्री कंप्लीट की हुई है। अब बात कर लेते हैं उनकी हॉबीज़ के बारे में, तो उनको घूमना बहुत पसंद है। तो चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं उनके बॉलीवुड करियर के बारे में। विशाल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत प्यार में कभी कभी गाने से की थी। यह गाना म्यूजिक लवर्स को बेहद पसंद आया था, लेकिन विशाल को पहचान साल 2003 में फिल्म झनकार बीट्स से मिली। इस फिल्म में उनकी गायिका ने उन्हें न्यू टैलेंट हंट आरडी बर्मन का पुरस्कार भी दिलाया था। इसके बाद उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। विशाल ददलानी और उनके सह निर्देशक शेखर ने कई फिल्मों के गाने को संगीत दिया है, साथ ही संगीत निर्देशन में भी काम किया है। साल 2005 इस जोड़ी के लिए सबसे सफल वर्ष रहा। इस साल उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों को संगीत दिया। विशाल भारतीय संगीत के साथ वेस्टर्न म्यूजिक में भी काफ़ी अच्छे पारंगत है। एक बार फिर साल 2007 में विशाल के नाम का सितारा चमका। इस साल उन्होंने फिल्म निर्देशक फरहान खान की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म ओम शांति ओम फिल्म का संगीत निर्देशन किया। उन्हें इस फिल्म के लिए आईफा फिल्म फेयर और अप्सरा अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब तक हर एक भारतीय विशाल के संगीत का दीवाना हो चुका था। साल 2011 में विशाल ने दो सुपरहिट फिल्म रावण और डर्टी पिक्चर को संगीत दिया। दोनों ही फिल्मों के संगीत ने बॉलीवुड में धूम मचा के रख दी थी। दोनों ही फिल्मों के लिए विशाल को कई पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2012 भी विशाल के करियर के लिए बेहद शानदार रहा। इस साल उन्होंने कहानी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर का संगीत निर्देशन किया। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का म्यूजिक तो युवा वर्ग के जुबा पर भी खूब चढ़ा। और साथ ही विशाल संगीत निर्देशन के अलावा गाने गाने का भी शौक रखते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है। जिस तरह उनके फिल्मों का संगीत हिट, उसी तरह उनके आवाज़ के भी कई लोग दीवाने हैं। अब बात कर लेते हैं उनके टीवी करियर के बारे में। विशाल ने अपने टीवी करियर की शुरुआत टीवी सारे गामा पा सिंगिंग सुपरस्टार से की थी। इस शो में वह एक बतौर जज नज़र आए थे। इसके बाद वह इंडियन आइडल में बतौर जज भूमिका निभा चुके हैं। कुल मिलाकर बात किया जाए तो विशाल ददलानी ने 300 से अधिक गानों को कंपोज किया है। इसी के साथ ही उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा लाइव शो में परफॉर्मेंस की है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उनके द्वारा कुछ कंपोज किए गए सॉन्ग्स के बारे में। जिंदा, प्यार में कभी कभी, रावण, शादी के लड्डू, शब्द, सलाम नमस्ते, टसन, तीस मारखा, ट्रैफिक, आई हेट लव स्टोरी, झनकार बीट्स, काटे, कहानी, अनजाना अनजानी, देताली, एक अजनबी, डर्टी पिक्चर, बैंग बैंग, ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, नॉकआउट, वी आर फैमिली, इन मूवियों के सॉन्ग को विशाल ददलानी ने कंपोज किया हुआ है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विशाल ददलानी के फैमिली मेंबर के बारे में। उन्होंने अपने फादर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है। साथ ही आपको बता दें, उनके फादर एक बिजनेसमैन हैं। उनके मदर का नाम रहमा ददलानी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। अब बात कर लेते हैं उनके वाइफ के बारे में। उनके वाइफ का नाम प्रियाली ददलानी है, जिनका 2017 में डिवोर्स हो चुका है। अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, विशाल ददलानी पर सॉन्ग का 2 से 30 लाख रुपए चार्ज करते हैं। साथ ही किसी भी शो में परफॉर्मेंस के लिए 1 से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 12 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। अब बात कर लेते हैं उनकी कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, विशाल ददलानी के पास में BMW 5 सीरीज़ की एक कार है। साथ ही उनके पास में एक हार्ली डेविडसन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप विशाल ददलानी के फ़ैन हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।